गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुबह सुबह इस सुबह सुबह फॉर मी सन इज सुबह सुबह और सुबह सुबह इस फॉरनर ने हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया सुबह सुबह। किसका? एक मच्छर का, जो हमारी गाड़ी में बहुत देर से घूम रहा था। पीछे बैठे हैं छोटे शर्मा जी और नानी। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? फिर से संडे, आज हम जा रहे हैं कुछ डिफरेंट देखने, बोले तो साइंस म्यूजियम। जब मैं बहुत तरी जब स्कूल में था तब गया था एक बार, तो मुझे बहुत पसंद आया था। लेट्स सी इवान को कैसा लगता है और इन फॉरनर्स को कैसा लगता है। सो हम जा रहे हैं साइंस म्यूजियम, बट वहाँ की पार्किंग फुल है, तो हमने ये भैरव बाबा के सामने जो पार्किंग है वहाँ पे गाड़ी लगाई है। सो भाई साहब ऑटो की सवारी करते हुए हम जा रहे हैं साइंस म्यूजियम, और ये देखो सामने चल रहा है भंडारा। खाने का मन है बट ऑटो में बैठ चुके हैं। सो ये है नेशनल साइंस सेंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको इस तरह का कुछ जाल दिखाई देगा। भाई साहब क्या इंजीनियरिंग की हुई है कुछ नहीं पता। हाँ ये है एनर्जी बॉल्स। वो ये बॉल स्टार्ट एनर्जी के लिए, वो जा रही है बॉल। तो ये बेल बजती है, ये देखो बॉल्स आ रही हैं जा रही हैं। हियर अगेन लियाना इज सेलिब्रेटेड टेकिंग द पिक्चर्स विद अदर्स। ये है हमारे साइंस का ट्रेजर। ये इंडस वैली की झांकी लगाई हुई है। उस टाइम पे यूज होने वाले स्टोन्स। मेरी सासू माँ भी सेलिब्रिटी बन गई है, देखो बच्चे फोटो खिंचवा रहे हैं उनके साथ। उस टाइम पे किस तरह से ऑपरेशंस किए जाते थे। You can check carbon in your body. So ये दिखाया गया है बच्चे की उत्पत्ति तक का प्रोसेस, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इन वॉम। और ये भाई साहब हमारा दिमाग लगाया हुआ है यहाँ पे, हमारा नहीं। Very good. Thank you.
सो ये इंडोर म्यूजियम के अंदर ही है, डायनासोर की पूरी लाइफ साइकिल और डिफरेंट डिफरेंट डायनासोर्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं, प्लस साथ में उनकी वीडियोज़ भी चल रही हैं। तो ये साइंस म्यूज़ियम का बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स वगैरह हैं जो बेसिकली साइंस से रिलेटेड हैं। ओए 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 गई 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 जोर से जोर से, वेरी गुड। इवन हैंड बनाओ हैंड, वेरी गुड। ओ इवन की हैंड्स, यस। हमने पूरा थिएटर ही बुक करा लिया है हिस्ट्री के लिए। ये देखो केवल पूरे थिएटर में हम तीन लोग चार लोग हैं। म्यूजियम देखने के बाद, थक हारने के बाद हम आ गए हैं अपने फेवरेट KFC। और ये वान की सलाद फ्रेंच फ्राइज के साथ। सो गाइस, अभी हम आए साइंस म्यूजियम देख के, बहुत बढ़िया था, बट हमारा थोड़ा सा पॉपआउट हो गया, हमने ले लिया रॉन्ग साइड। तो ये देखो चलान इतना लंबा चला, हमने कोर्ट का बोला है कि कोर्ट में लोक अदालत में निपटा देंगे। But it's written चलान अमाउंट इन रुपीस 0। Yes, they didn't take cash, so fine will be put in court.
जज विल पे, जज विल पुट द फाइन. हाउ यू फाइंड इट ऑनलाइन? यस ऑनलाइन. सो म्यूजियम देखने के बाद, केएफसी में खाने पीने के बाद, चालान कटवाने के बाद, अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ. छोटे शर्मा जी फिर कुछ खा रहे हैं और देख रहे हैं, देखो पीछे क्या देख रहे हैं. बात मजा आया सब? कैसा लगा? यस. बिफोर यहाँ पे आने से पहले मैडम कह रही थी कुछ भी नहीं है, बट चलते हैं, लेट्स सी. आजकल सारी जनता ना बस इंटरनेट देख के अपने आप को ना क्या कहते हैं, महात्मा समझने लग जाते हैं, ज्ञानी समझने लग जाते हैं कि गूगल पे सब कुछ है. इसलिए तो मैं सेकंड टाइम आया था. एक बार स्कूल में, स्कूल की ट्रिप आई थी, आई थिंक फोर्थ फिफ्थ में होंगे, तो 10-12 साल के बच्चे क्या याद रहेगा. और अब हूँ मैं ऑलमोस्ट 38 ईयर्स का, सो हाउ आई कैन रिमेम्बर ऑल द थिंग्स. जस्ट टू शो इवान, बिकॉज फ्यू थिंग्स आई रिमेम्बर दैट टाइम. एक बड़ा सा ग्लोब हुआ करता था, आप बहुत सारी चीजें टच कर सकते थे, तो सेम इवान ने भी वही किया, सारी चीजें टच की. बट यस, इवन फॉर एडल्ट ऑल्सो बहुत सारी चीजें देखने के लिए. बट हमने आज ही सुबह प्लान बनाया था और आए, तो हमने कई चीजें नहीं देख पाए. या मतलब जैसे कि वहाँ पे 3D शोज हैं कुछ, एक राइड है 7D में, सो वो बेसिकली 2-2 घंटे बाद की थी, तो हमने इसलिए वो लिया भी नहीं. बट 70 rupees एडल्ट की टिकट है. 70 rupees में आप अच्छा 3-4 फ्लोर का काफी बड़ा बना हुआ है, 2-3 hours यू कैन स्पेंड इजिली. कैफेटेरिया है अच्छा सा अंदर, सो यू कैन गैदर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी है काफ़ी चीज़ें, खेलने के लिए भी हैं काफ़ी चीज़ें, और कुछ चीज़ें जो नहीं पता होंगी वो भी आपको यहाँ पे आके पता लगेंगी. सो अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप विजिट कर सकते हो भैरव रोड पे, बिल्कुल प्रगति मैदान के गेट के बिल्कुल साथ में. यस, पार्किंग एक्चुअली छोटी है तो हमेशा फुल रहती है. तो सामने भैरव बाबा मंदिर के सामने पुराने किले के मतलब अपोजिट साइड पार्किंग है. हाँ, फ्री पार्किंग है, सो यू कैन पार्क देयर. अदरवाइज अगर आप अंदर पार्क करोगे तो आपको 70 rupees पार्किंग के भी देने पड़ेंगे. सो हमने वो 70 rupees बचाए, बट 50 rupees एक तरफ ऑटो, 50 rupees 200 rupees स्पेंड किए ऑटो के इधर से उधर जाने के लिए, क्योंकि हमारे छोटे शर्मा जी को ऑटो में जाना था. नाउ जा रहे हैं घर, और मैं घर जाके अब सोऊंगा. बाय बाय.